दी कश्मीर फाइल्स। इस मूवी की कोई बात भी नहीं कर रहा था जब तक ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे शहर में इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स नेशनल अवार्ड विनर हैं और सभी ने एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। खासकर अनुपम खेर ने तो इस मूवी में टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। तो दी कश्मीर फाइल्स की स्टोरी एक इंसिडेंट पे बनी हुई है जो कि कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडितों पे, जहां पे उनका जेनोसाइड या एक्सोडस हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, और काफी स्मार्टली इन्होंने मूवी को दिखाया है। इस मूवी ने पूरे समय डार्क टोन को कैरी किया है जो कि इस मूवी को पूरे समय होकेबल बना देता है। हम अगर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की बात करें तो इस मूवी का बजट काफी कम है और ये चीज हमें बड़े पर्दे पर दिखती है। कहीं कहीं हमें क्लियरली ग्रीन स्क्रीन का यूसेज दिखाई दे जाता है। इस मूवी का डायलॉग काफी अच्छी तरह से लिखे गए हैं जो कि आपको बहुत हार्ड हिट करते हैं। करंटली ये मूवी IMDb पे 10/10 रेटिंग पे है। ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप काफी समय तक याद रखोगे और ये आपके मन में एक छाप जरूर छोड़ के जाएगी। ये फिल्म एक मास्टरपीस है, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।